हाय फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ मूली के पत्थर के पराठे, जो मैंने 300 ग्राम ले लिए हैं और ये सारे मसाले इसके साथ। ये कुकर गैस पर रख दिया है और अब मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ। ये डायरेक्ट इसमें डालकर, फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल दिए हैं मूली के पत्ते कट हुए हुए और धोकर कट कर लिए थे। अब इसमें लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बाद में भी पीसने के बाद आपको डालना होगा पराठे बनाते टाइम। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो वेलकम बैक गाइस, जैसे मैंने पहले ही मूली के पत्ते उबाल लिए हैं, बॉईल कर लिए और ये ग्राइंड करने के लिए रख दिए हैं। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने और ये थोड़ा सा लहसुन, कम से कम 10 से 15 कलियाँ इसकी डाल देते हैं इसमें, 10 से 15 पीसेस उसके। और डालने के बाद अब थोड़ा सा इसमें आप जीरा डाल दीजिए अच्छे से, और फिर इसमें थोड़ा सा नमक, नमक ऑलरेडी डल चुका है इसमें ताकि उसमें कम ना हो आटे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैंने आपको ये बताया था मूली के पत्तों की पराठे, तो ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड करके इसको निकाल लें और ये रखा है आटा आपका। इस आटे में आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से नमक डालकर। ये आपका आटा गूंज रहा है, ये बिल्कुल ऐसे आपको मेथी के पराठे या बथुए के पराठे आपने खाए होंगे, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आता है इसका। बहुत टेस्टी होते हैं और लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। वेलकम बैक गाइस, ये आपका आटा गूंथ के तैयार हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा आटा तैयार हुआ है। देखिए थोड़ा हार्ड है पराठों के हिसाब से, तो थोड़ी देर बाद आपके पराठे इसके बन के तैयार हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। हाय गाइस, ये आपके पराठे सेक रहे हैं। ये इस तरह के पराठे आपके आते हैं, ग्रीन ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर के। हाय गाइस, ये हमारी चटनी पराठे और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ तैयार हो चुकी है मूली के साथ। ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं, आप इसको बिल्कुल बनाकर टेस्ट करके देखें। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।